हेलो एंड वेलकम टू माय केक प्रेडिक्शन। आज हम सिजलिंग ब्राउनी बनाएंगे। सो ब्राउनी ये इंस्टेंट है, तो यहाँ पे मैंने ब्राउनी के लिए 4 टेबलस्पून घी लिया है। यस घी, इट्स अ हेल्दी वर्जन। 5 टेबलस्पून पाउडर शुगर लिया है, और अब हम इसमें ये 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा है और 2 टेबलस्पून कर्ड्स को मिक्स कर दिया आपस में। अब ये मैंने घी और शुगर को मिक्स किया, और उसके बाद मैंने इसमें डाला दही वाला मिक्सचर, तो थोड़ा ये फ्लफी हो जाएगा। अब ये मैंने हाफ कप बॉइलिंग वाटर डाला है, हाफ कप बॉइलिंग वाटर, और अब मैं इसमें अपने ड्राई इंग्रेडिएंट्स डालूंगा। 4 टेबलस्पून कोको पाउडर एंड हाफ अ कप ऑफ आटा। हाँ, आप मैदा डाल सकते हो, बट इट्स अ हेल्दी वर्जन, तो मैंने इसमें घी और आटा यूज़ किया है। एक्चुअली तरला दलाल मैम की रेसिपी है, बट मैंने इसको हेल्दी वर्जन में ट्विस्ट किया है। आप इसमें मैदा और बटर भी डाल सकते हो। सो अब मैं इसमें वॉलनट्स डालूंगा। वॉलनट्स डालने में कंजूसी मत करना, तो इससे क्योंकि टेस्ट बहुत अच्छा आता है, ब्राउनी का हार्ट होता है वॉलनट्स। यहाँ पे मैंने एक बोरोसिल का डिश लिया है, उसको मैंने लाइन किया है पेपर के साथ। लॉकडाउन ने हम सबको एक्सपर्ट बना दिया था, तो ये मैंने कहीं से सीखा था, तो मैंने उसको अप्लाई कर दिया यहाँ पे। अब मैं इसको टैप कर रहा हूँ, टैप करके इवन कर दूंगा, और जैसे ही इवन हो जाएगा मैं इसको माइक्रोवेव कर दूंगा 4 मिनट्स के लिए, हाई पावर पे 4 मिनट के लिए हम इसको माइक्रोवेव करेंगे, और ये रेडी हो जाएगा। विद इन 4 मिनट्स हमारी ब्राउनी देखो रेडी हो गई है, और अब हम इसको टूथपिक से चेक करेंगे कि हुआ है कि नहीं। सो लेट्स चेक इट नाउ विद द हेल्प ऑफ द टूथपिक। ये हम निकाल रहे हैं उसको ओवन से। अब हम इसको टूथपिक इंसर्ट करके चेक करेंगे। सी दिस इज हाउ आई एम इंसर्टिंग द टूथपिक, और एकदम टूथपिक क्लीन आया। तो अब इसको इसके अंदर ही ठंडा होने देंगे। जैसे ही ठंडा हो जाएगा हम इसको डीमोल्ड कर देंगे, और उसके बाद ये जो हमने पेपर लगाया था इस पेपर को भी हम निकाल देंगे, और इसकी हम पीसेस कर लेंगे। आप जैसे चाहें वैसे पीसेस कर सकते हो। नॉर्मल ब्राउनी रेडी है, और ये सिजलिंग प्रोसेस है। सिजलर प्लेट को मैंने बहुत ज़्यादा गर्म किया, और उसके ऊपर ब्राउनी का पीस रखा, और उसके ऊपर आइसक्रीम एंड सम चॉकलेट सॉस। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो।